हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करें ज्योमेट्री ऑफ जीनोन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल। इसी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीनोन की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज 5s2 5p6, मतलब एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में एस ऑर्बिटल में 2। अब हमें टेट्रा फ्लोराइड मतलब 4 फ्लोरीन इसके साथ लगाने हैं, तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। पी में कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये किसमें आएंगे? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे फ्लोरीन के साथ, तो हम देख सकते हैं जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या बनी। एस एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 2sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब फ्लोरीन एटम हम इसके साथ लगा देंगे, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके साथ फ्लोरीन। अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री और शेप कैसे बनते हैं। जीनोन सेंट्रल एटम, इसमें 2 लोन पेयर बचे, एक 2s ऑर्बिटल में, एक एस ऑर्बिटल में और एक पी ऑर्बिटल में, तो हमने 2 लोन पेयर यहाँ पे लगा देते हैं। और 4 बॉन्ड पेयर है। ये बन गई इसकी शेप, जीनोन टेट्रा फ्लोराइड की। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। थैंक यू। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई sp3d2, ज्योमेट्री हो गई इसकी स्क्वायर प्लेनर, और शेप आपके सामने।